तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी आपके पास नहीं आई है तो आप किस तरह से ऑनलाइन आरसी आप ढूंढ सकते हैं, व्हीकल की सारी डिटेल जान सकते हैं और इसके साथ ही आप जान पाएंगे किसी भी व्हीकल की पूरी जानकारी। और आप यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी अटैच कर सकते हैं और जान सकते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो इसके लिए आपको करना होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। आपके स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर होगा जिसे आप ओपन करके वहाँ से आप यहाँ इस एक ऐप है जिसका नाम है एम परिवहन ऐप, जिसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आप अपने आरसी में रजिस्टर्ड किए गए नंबर से ही आप इसे साइन अप करें और साइन अप करने के बाद में आप पूरी जानकारी यहां पर ले सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैंने आगे बता रखा है, आप उसे फॉलो करते जाइए और आप अपने वर्चुअल आरसी भी आप ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आपकी ऑफलाइन आरसी जब तक नहीं आती है। ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको कुछ मोबाइल वेरिफिकेशन ओटीपी द्वारा करना पड़ेगा। इसके बाद आप इस ऐप को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा एक बार की। जो नंबर आपने आरसी के व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दे रखा है उसी नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, बाकी होगा नहीं। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पर जानकारी भरनी होगी, आपकी डिटेल भरनी होगी। डिटेल भरने के बाद में आपको साइन अप करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं साइन अप कर रहा हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर साइन अप हो जाने के बाद में आप अपना कोई भी नंबर यहाँ पर सर्च बार में डालकर व्हीकल का जो नंबर आपको मिला है, आपका जो गाड़ी नंबर है, वो सर्च करके उसकी डिटेल आसानी से जान सकते हैं, चाहे वो आपका हो चाहे किसी और का हो, तो आप उसकी डिटेल जान पाएंगे। और आपको आरसी अगर डाउनलोड करनी है तो आप वर्चुअल आरसी डाउनलोड कर सकते हैं और वो आरसी आपको यहाँ पर आपके जो इंजन नंबर है और जो चेसिस नंबर है उसके पीछे के 4 अंक को एंटर करना होगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के समय दिए हुए कागज़ों में आपको मिल जाएंगे। इसे डालने के बाद में जब आप ओके करेंगे तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन की मेमोरी में ताकि आप इसे आप कभी भी यूज़ कर पाए जब तक आपके पास आपकी जो ऑफलाइन आरसी है वो पहुंच नहीं जाती है। तो दोस्तों ये एक अच्छी सुविधा है जो गवर्नमेंट ने कर रखी है आप लोगों के लिए। एम परिवहन एक गवर्नमेंट ऐप है और जिसके माध्यम से आप कहीं पर भी अपने आरसी को वहाँ पर डैशबोर्ड पर लगाकर यूज़ कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अगर आपके पास आरसी नहीं है तो। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। अगर इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।